हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से नर्सिंग टुडे ऑनलाइन चैनल के ऊपर। और जी हाँ, मेड गुरुस कोचिंग क्लासेस के साथ में बिल्कुल सुनील, तुलसीराम जांगीड, राहुल छाबड़ा, विजय, शक्ति भास्कर जी, मनीष जोशी जी, चलिए सभी साथियों का स्वागत है। और एक बार फिर से आप सभी लोग जो है वो स्टार्ट है डेली शाम 7 बजे मैड गुरुज के साथ में लास्ट रैपिड रिवीजन नॉर्सेट 60 की तैयारी के लिए। जी हाँ बिल्कुल, मेडिकल नॉलेज 0.1 बिल्कुल गुड इवनिंग है। चलिए आज के सेशंस में अपन जो टॉपिक्स है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके, वो सारा का सारा जो है वो किसके, ब्रेस्ट फीडिंग सर, और ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड तमाम सारे जो है वो अच्छे क्वेश्चन आपके सामने होंगे जब आप लोगों के कमेंट्स बॉक्स में होंगे। तो चलिएगा अपन जो है वो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को आज की को। जी हाँ, पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है आज के इस सेशन का। एज एक्सपेक्टेंट्स मदर प्लान ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग एंड आस्क यू व्हेन सी द शुड स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने वाले हो ब्रेस्ट फीडिंग प्लान मदर के अंदर, व्हेन शुड द मदर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग सर, कब जो है वो कब स्टार्ट करे, ये आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी, 4 आवर आफ्टर डिलीवरी, विद इन 30 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी, और आफ्टर बाथिंग द बेबी सर। चलिए दीजिएगा जवाब, कब जो है वो फीडिंग स्टार्ट करे सर, ये आपको जवाब जो है वो जवाब देना है। क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। जी सोनू सैनी जी, धर्मेंद्र काजला, हेम कुमारी जी, साहू, चलिए सभी साथियों जो है वो सभी साथियों को गुड इवनिंग है। और स्टार्ट है आज का ये सेशन पहले क्वेश्चन के साथ में। नमो प्रजापत जी, बिल्कुल क्वेश्चन आपका है, एज एक्सपेक्टेंट मदर प्लान ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग यू व्हेन शुड स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग सर, कब स्टार्ट करोगे। सुरेश कुमार जी ए जो है वो ए जवाब दे रहे हैं कि सर एज सून एज पॉसिबल। मीना जी एज सून एज पॉसिबल जो है वो जवाब दे रहे हैं। तमाम सारे जितने भी साथी हैं वो सब के सब जो है वो जवाब दे रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी। जी बिल्कुल, अपने को यहाँ कहीं भी क्वेश्चन के अंदर सिजेरियन डिलीवरी के रिलेटेड जो है वो पॉइंट नहीं बोला गया है, और जब तक सिजेरियन डिलीवरी नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो नॉर्मल डिलीवरी के केस के अंदर अपन फीडिंग कब स्टार्ट करेंगे, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी सर। जितना जल्दी हो जाए डिलीवरी होने के बाद में, मदर जितना जल्दी कंफर्ट हो उतना जल्दी क्या स्टार्ट करेंगे अपन फीडिंग सर। और ये भी ध्यान रखना है अपने को, अगर सिजेरियन डिलीवरी भी होता और फिर अपने से पूछ लेता कि कब जो है वो अपन ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, तब आपका आंसर होगा 1.5 to 2 hours सर आफ्टर डिलीवरी। सिजेरियन के अंदर भी जो है वो 4 hour आपका सही नहीं होगा, सिजेरियन डिलीवरी है तो भी ध्यान रखना है 1.5 से 2 घंटे डिलीवरी के बाद में क्या स्टार्ट कर देते हैं अपन ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल साऊ, 1.5 to 2 hours के दौरान जो है वो फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, अगर कौन सा केस है तो सीजेरियन। यहां अपने क्वेश्चन का सही जवाब है एज सून एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी सर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जी द करंट रिकमेंडेशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग इज दैट सर, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है वो करंट रिकमेंडेशन जो है वो क्या है आपका, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है आज की ब्रेस्ट फीडिंग्स के लिए। ऑप्शन ए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू टिल 4 months ऑफ द एज फॉलो बाय द सप्लीमेंट विद एडिशनल फूड सर। ठीक है, 4 महीने तक जो है वो मदर फीड जो है वो मदर फीड करवाना आपका एक्सक्लूसिव फीडिंग और सप्लीमेंट एंड एडिशनल फूड के साथ में सर। ऑप्शन बी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू टिल 6 months ऑफ द एज फॉलो बाई सप्लीमेंटेशन विद द एडिशनल फूड सर। ठीक है, 6 महीने तक सिर्फ जो है वो आप फीडिंग्स करवा रहे हैं, मदर फीड करवाते हैं, उसको अपन एक्सक्लूसिव फीडिंग कहते हैं, देन उसके बाद में जो है वो सप्लीमेंट एंड एडिशनल फूड स्टार्ट करना है। ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट सुटेबल फूड फॉर न्यूबॉर्न बेबी बट इज द बेस्ट अवॉइड इन फर्स्ट 2 days सर, कि कोलेस्ट्रॉल सबसे सुटेबल फूड है न्यूबॉर्न बेबी के लिए बट शुरुआत के 2 दिन इसको अवॉइड कर देना चाहिए। और ऑप्शन डी, द बेबी शुड बी अलाउड टू ब्रेस्ट फीड टिल 1 year ऑफ द एज, कि 1 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए सर। चलिए दीजिएगा जवाब, कौन सा सही जवाब है यहां पर सर।
विजय बी जो है वो भी जवाब दे रहे हैं भैया। चलिए हर्षद गुप्ता जी का जवाब भी बी आ रहा है। अंजलि सिंह बी जो है वो भी जवाब है। आयुष पारिक जी भी जवाब दे रहे हैं। सी एस ओ कुलदीप भी जो है वो भी जवाब दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आपके पास में पहला कि 4 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है, देन उसके बाद में सप्लीमेंट और एडिशनल फूड स्टार्ट कर देना चाहिए। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव होता है उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉम सूटेबल मोस्ट सूटेबल फूड है बट शुरू के 2 दिन अवॉइड करना चाहिए। और ऑप्शन डी है आपका कि ब्रेस्ट फीड जो है वो टिल 1 ईयर एज तक जो है वो रखना है आपको सर। चलिए भैया कौन सा जवाब यहाँ सही हो रहा है? सारे साथी जवाब दे रहे हैं बी बिल्कुल सही जवाब है सर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो कितने मंथ तक? टिल 6 मंथ जो है वो 6 मंथ तक। 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना कौन सी फीडिंग्स कहलाती है? आपकी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाती है सर। और उसके बाद में सप्लीमेंटेशन विद एडिशनल फूड जो है वो स्टार्ट करना आपका, इस प्रोसेस को कहा जाता है विनिंग सर। किस नाम से जाना जाता है इसको? विनिंग जो है वो विनिंग प्रोसेस के नाम से। तो यहां पर जो है वो सही है आपका बी ऑप्शन, 4 महीने तक एक्सक्लूसिव फीडिंग्स नहीं होता है, ऑप्शन गलत था। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल मोस्ट सूटेबल फूड है न्यूबॉर्न बेबी के लिए बट इज द बेस्ट अवॉइड जो है वो अवॉइड नहीं है सर। शुरू के जो है वो शुरू के 2 से 3 दिन तक माँ के बेस से सीक्रेट होने वाले मिल्क को कहते हैं कौन सा? अपन कोलेस्ट्रॉम। ये सबसे सूटेबल फूड होता है क्योंकि सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन और सबसे ज्यादा विटामिन ए इसी मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है सर। ऑप्शन डी है द बेबी शुड बी अलाउ द ब्रेस्ट फीड टिल 1 ईयर, नहीं 2 ईयर सर। 2 साल तक जो है वो मदर को फीडिंग करवाना चाहिए एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो। ब्रेस्ट फीडिंग कितने साल तक आपका? 2 साल तक सर। तो यहां पर सही जवाब था अपना कौन सा? बी जो है वो बी जवाब। चलिएगा अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे। ए क्लाइंट आस्क अबाउट द डिफरेंस बिटवीन काउ मिल्क एंड ब्रेस्ट मिल्क सर। मदर मिल्क, ह्यूमन मिल्क और काउ मिल्क जो है वो काउ मिल्क के बीच का डिफरेंस पूछ लिया है। द नर्स शुड द रेस्पॉन्स द काउ मिल्क डिफर फ्रॉम ह्यूमन मिल्क, दैट इज कंटेंट सर। काउ मिल्क इसलिए डिफरेंट है ह्यूमन मिल्क से क्योंकि काउ मिल्क के अंदर ये कंटेंट्स होते हैं। और इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये बताना है। काउ मिल्क में लेस प्रोटीन, लेस कैल्शियम एंड मोर कार्बोहाइड्रेट होता है इसलिए डिफरेंट से। काउ मिल्क के अंदर लेस प्रोटीन, मोर कैल्शियम, मोर कार्बोहाइड्रेट होता है। मोर प्रोटीन, लेस कैल्शियम एंड फ्यूअर कार्बोहाइड्रेट होता है। और ऑप्शन डी आपका मोर प्रोटीन, मोर कैल्शियम एंड फ्यूअर कार्बोहाइड्रेट होता है सर। चलिए डिफरेंस आपको क्या बताना है कि काउ मिल्क जो है वो काउ मिल्क डिफर फ्रॉम द ह्यूमन मिल्क, काउ मिल्क जो है वो ह्यूमन मिल्क से डिफर है। क्यों डिफरेंस है काउ मिल्क ह्यूमन मिल्क से? कौन से कंटेंट उसमें प्रेजेंट है सर? चलिए बताइएगा जवाब यहां पर। सी बिल्कुल वर्षा सेन ए जो है वो ए, साहू डी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं। मोर प्रोटीन, मोर कैल्शियम एंड फ्यूअर कार्बोहाइड्रेट्स बता रहे। चलिए विजय डी जवाब है। हितेश टांक डी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं भैया। सुनीता रैगर जवाब डी। शक्तिमान भाकर जी जवाब डी जो है वो डी दे रहे हैं। चलिए सभी साथियों का जवाब जो है वो यहां पर आना चाहिए। अब कौन सा जवाब सही है बिल्कुल देखेंगे अपन। मेडिकल नॉलेज 0.1 सी डी जवाब दे रहे हैं। हेम कुमारी डी जो है वो डी जवाब। सारे के सारे साथी जवाब डी दे रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं कि काउ मिल्क के अंदर क्या सर? लेस प्रोटीन्स ऑप्शन, ये तो गलत था। काउ मिल्क के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, कितना होता है ये भी अपन बात करेंगे। मोर प्रोटीन होता है बिल्कुल सही है। कैल्शियम लेस नहीं, कैल्शियम भी ज्यादा होता है, ये सही था अपना सर। ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट कम जो है वो कम होता है कौन से मिल्क के अंदर? काउ मिल्क के अंदर सर। ठीक है चलिए एक डिफरेंस जो है वो डिफरेंस वॉल्यूम जो आपने को पढ़ लेना है यहीं पर। प्रोटीन जो है वो प्रोटीन ह्यूमन मिल्क जो है वो ह्यूमन मिल्क के अंदर लगभग 1.1 ग्राम होता है, वहीं पर काउ मिल्क के अंदर आपका 3.5 ग्राम तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है सर। ह्यूमन मिल्क और काउ मिल्क में अगर फैट कंटेंट्स की अपन बात करें तो फैट जो है वो आपका 3.2 तक देखने को मिलता है ह्यूमन मिल्क में। काउ मिल्क में इससे भी ज्यादा सर फैट जो है वो, फैट भी काउ मिल्क में क्या होता है ज्यादा, बट कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट सर 7.4 ग्राम ह्यूमन मिल्क के अंदर और 4.4 ग्राम काउ मिल्क के अंदर। दो बात निकल के आई कि प्रोटीन और फैट किसमें ज्यादा होते हैं? काउ मिल्क के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट किसमें ज्यादा होता है?
ह्यूमन मिल्क के अंदर सर, जिस कैल्शियम जो है वो कैल्शियम कंटेंट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन मिल्क के अंदर 35 mg/dl होता है कैल्शियम, जबकि काउ मिल्क के अंदर 120 mg जो है वो पर डीएल कैल्शियम देखने को मिलता है। मोर एब्डोडेंटली कैल्शियम जो है वो देखने को मिलता है, कैल्शियम भी ज्यादा होता है, प्रोटीन भी ज्यादा होती है काउ मिल्क में, और कार्बोहाइड्रेट कम होता है। बिल्कुल सही जवाब आपका कौन सा, ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन डी सर। तो चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर, दोनों मिल्क को डिफ्रेंशिएट करते हुए अपन। विच स्टेटमेंट मेड बाई द क्लाइंट इंडिकेट दैट द मदर अंडरस्टैंड The limitations of the breastfeeding her newborn, sir. क्वेश्चन को समझिएगा, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से जो है वो मदर को इंडिकेट कर रहा है अंडरस्टैंड्स द लिमिट ऑफ द breastfeeding her newborn, sir. चार स्टेटमेंट्स आपके सामने, ऑप्शन ए, breastfeeding my infant continuously every 2 to 3 hours stop ovulation and my period, sir. माँ जो है वो माँ का क्या ये स्टेटमेंट जो है वो आपको लिमिट्स के लिए इंडिकेट कर रहा है क्या कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इन्फेंट के लिए कंटिन्यूअसली जो है वो हर 2 से 3 घंटे करवाने से ओवुलेशन जो है ओवुलेशन स्टॉप्स होगा और मेरे पीरियड्स, मतलब कुल मिलाकर माँ कह रही है कि अगर मैं हर 2 से 3 घंटे पे कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगा सर, ऑप्शन बी। ब्रेस्ट फीडिंग माई बेबी इमीडिएट आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल is safer than waiting for the alcohol to clear my the breast milk, sir. Alcohol पीने के जस्ट बाद में breast feeding जो है वो करवाई जाए, और जस्ट बाद करवाई जाए तो alcohol जो है वो breast milk को clean जो है वो clean करने का काम करता है। क्या ये सही statement है mother का, option C। I can start smoking cigarette while breast feeding because it will not affects my breast milk, sir. कि मैं सिगरेट स्मोकिंग करूं फीडिंग के दौरान जब बच्चा फीड कर रहा है तो, ऐसा कह रही है मदर, ये ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। और ऑप्शन डी, व्हेन आई टेक ए वार्म सावर आफ्टर द फीडिंग, फीडिंग करवाने के बाद में वार्म सावर जो है वो वार्म सावर लू, इट रिलीव द पेन फ्रॉम बींग एंगोर्स बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग, सर कि ब्रेस्ट फीडिंग्स के दौरान ये पेन को रिलीव करेगा। चलिए चार ऑप्शंस आपके साथ में, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है ये आपको बताना है सर। जी जवाब जो है वो सभी साथियों के होने चाहिए यहां पर कि कौन सा जो है वो सही स्टेटमेंट है आपका सर। ए जो है वो ए जवाब दे रहे हैं, अंजना ए जवाब आपका, शिवाजी व्लॉग्स ए जो है वो ए जवाब दे रहे हैं। यहां मदर जो है वो मदर ने पहले स्टेटमेंट में ये कहा है कि अगर मैं हर 2 से 3 घंटे ऐसी कंटिन्यूअसली फीडिंग करवाती हूँ इन्फेंट को तो ओवुलेशन एंड पीरियड जो है वो क्या रहेगा, स्टॉप रहेगा। बी में कहा है मदर ने कि अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद में इमीडिएट जो है वो इमीडिएटली जस्ट जो है वो अल्कोहल ड्रिंक करूं और फिर फीडिंग जो है वो फीडिंग करवाऊं तो ये अल्कोहल जो है वो ब्रेस्ट मिल्क को क्लीन करता है। ड्यूरिंग जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर कह रही है कि स्मोकिंग अगर मैं कर रही हूं तो ब्रेस्ट मिल्क पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और वार्म सावर ले लेना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग्स के बाद में जो पेन को रिलीव करे। इसमें से सही स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी साथी, ये पहला स्टेटमेंट सही है। ब्रेस्ट फीडिंग माई इन्फेंट्स कंटिन्यूअसली एवरी 2 to 3 hours स्टॉप ओव्यूलेशन एंड पीरियड, सर। और ऐसा इसलिए कि अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो फीडिंग के दौरान मिल्क को बनाने वाला जो हार्मोन है वो होता है आपका प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोलैक्टिन सर, और इसके साथ मिल्क इजेकुलेट करवाने के लिए कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। जब जब प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो है वो मोर अमाउंट्स के अंदर सिक्रेट होंगे ये दोनों हार्मोन जो है वो सप्रेस रहेंगे सर, FSH और LH जो है वो LH क्या रहेगा सप्रेस, और FSH LH के सप्रेस रहने से मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सप्रेस्ड, मदर को ओवुलेशन नहीं होगा मेंस्ट्रुअल्स नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा हितेश टांग जी कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है अगर मदर क्या करवा रही है तो फीडिंग करवा रही है तो, इसलिए ये सही था। ये तो जर इफेक्ट करेगा, माँ एल्कोहल पी करके फीडिंग जो है वो फीडिंग करवा रही है, बिल्कुल ऐसा कोई भी जो है वो एल्कोहलिक कंटेंट्स नहीं है कि मिल्क को जो है वो क्लियर रखेगा सर। सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल नहीं है, बेवड़ी गंजेड़ी थबेड़ी ऐसी मदर जो है वो मदर्स को बोल दिया जाए भैया फीडिंग नहीं करवाया जाए, ठीक है, एल्कोहल पी करके सिगरेट स्मोकिंग करके ये फीडिंग करवाने का जो है वो सही तरीका नहीं है, और ये सब जो है वो इफेक्ट स्ट्रोक देखने को मिलता है बच्चे के अंदर सर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कंपोनेंट ऑफ गुड अटैचमेंट ऑल आर इंक्लूड एक्सेप्ट सर।
सारे के सारे कंपोनेंट गुड अटैचमेंट के हैं नीचे लिखे ऑप्शन में से, लेकिन कोई एक कंपोनेंट जो गुड अटैचमेंट का नहीं है सर, ऑप्शन ए जो है वो ए आपका। मोस्ट ऑफ द एरियोला इज बेबी माउथ सर, ज्यादातर एरियोला पार्ट बेबी माउथ जो है वो माउथ में होगा। ऑप्शन बी बेबी लोअर लिप इवर्टेड, बच्चे का लोअर लिप इवर्टेड होगा, बाहर की तरफ होगा। ऑप्शन सी बेबी चिन टच द मदर ब्रेस्ट, बच्चे का चिन जो है वो मदर ब्रेस्ट के टच रहेगा। और ऑप्शन डी बेबी लोअर लिप इनवर्टेड सर, कि बेबी का लोअर लिप जो है वो इनवर्टेड रहेगा सर। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट आपका सर? जी बिल्कुल धीरज राजपूत जो है वो, धीरज राजपूत जी बिल्कुल शुक्रिया है डियर। चलिएगा क्वेश्चंस आपके सामने है और देना है जवाब आपको। कंपोनेंट ऑफ गुड अटैचमेंट ऑल आर इंक्लूड एक्सेप्ट सर, कौन सी जो है वो कौन सी एक कंडीशन जो गुड अटैचमेंट को शो नहीं कर रही है, बाकी सब गुड अटैचमेंट को शो कर रही है। अंजना सिकरवाल डी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं। मनीष जोशी जी बी जवाब, भैया सुनीता रैगर बी जो है वो बी जवाब दे रहे हैं। संजीव कुमार जवाब डी जो है वो डी है। दिनेश डी, चलिए सभी साथी अंजलि सिंह डी, जितने साथी अब जवाब जो है वो एक डी जवाब दे रहे हैं। मैं कौन सा जवाब यहां सही है ये देख लेता हूं। सब गुड अटैचमेंट है, एक नहीं है उसको अपने को बताना है। बिल्कुल एरियोला जो निप्पल के सराउंडिंग डार्क एरिया है वो कंप्लीट तरीके से क्या होना चाहिए, कवर जो है वो कवर होना चाहिए सर। ये सही है ऑप्शन ए, ऐसा तो होता है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं है। लोअर लिप इवर्टेड ऐसा भी होता है। ऑप्शन सी बेबी चिन टच द मदर ब्रेस्ट ऐसा भी सही है, ये जो है वो ये एक्सेप्ट था आपका। बेबी लोअर लिप इनवर्टेड सर, बच्चे का लोअर लिप जो है वो क्या नहीं होगा आपका इनवर्टेड, जो है वो इनवर्टेड नहीं होगा, अंदर जो है वो अंदर की तरफ नहीं होगा, बाहर की तरफ जो है वो होगा। माउथ वाइडली ओपन होगा, मुंह अच्छे से खुला होना चाहिए गुड अटैचमेंट के दौरान। एरियोला जो है वो माउथ के अंदर होना चाहिए आपका, लोअर लिप बाहर की तरफ होना चाहिए और बच्चे का चिन मदर ब्रेस्ट के क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। ये सब कंपोनेंट्स आपके किसके होंगे, गुड अटैचमेंट। और बहुत जरूरी है फीडिंग के दौरान गुड अटैचमेंट होना सर। अगर अटैचमेंट पुअर है तो निप्पल के ऊपर एक्सेसिव फोर्स, एक्सेसिव प्रेशर लग सकता है और एक्सेसिव प्रेशर सोर निप्पल, क्रैक्ड निप्पल, मास्टाइटिस, इस तरीके की कंप्लेंट जो है वो शो करवा सकता है। इसलिए सबसे बेटर है अगर सोर निप्पल क्रैक्ड निप्पल नहीं हो तो इसके लिए अटैचमेंट क्या होना चाहिए, गुड अटैचमेंट होना चाहिए, पुअर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए सर। लीजिए अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे। ए नर्स इज टीचिंग ब्रेस्ट केयर टू द क्लाइंट हु इज ब्रेस्ट फीडिंग सर, नर्स जो है वो एक ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट केयर के बारे में बता रही है फीडिंग्स जो है वो फीडिंग्स के दौरान। विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द टीचिंग वॉज इफेक्टिव सर, कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आपको सुनकर ये लग रहा है कि टीचिंग इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिव है, मतलब वो सही स्टेटमेंट होगा। तो लीजिए आई शुड एयर ड्राई माई निप्पल आफ्टर ईच फीडिंग जो है वो इच फीडिंग, हर फीडिंग के बाद में निप्पल जो है वो निप्पल को एयर में ड्राई जो है वो ड्राई करिया जाए सर। ऑप्शन बी माइल्ड सोप इज एप्रोप्रिएट फॉर वॉशिंग माई ब्रेस्ट सर, ब्रेस्ट को वॉश करने के लिए जो है वो माइल्ड सोप जो है वो यूज में लिया जाए एप्रोप्रिएट वॉशिंग के लिए। ऑप्शन सी My breast pad should be lined with the plastic shield sir, कि जो breast pad है वो plastic shield जो है वो plastic shield होना चाहिए। और option D, I will remove my bras before I go to bed at night sir, कौन सा एक ऐसा statement है जो teaching के दौरान जो है वो आपको सही लग रहा है कि mother के द्वारा बोला हुआ ये statement सही statement है, effective statement है, बाकी तीन statement गलत है यहाँ पर सर। क्वेश्चन आपका ए नर्स इज टीचिंग ब्रेस्ट केयर, नर्स ब्रेस्ट केयर दे रही है क्लाइंट हु इज ब्रेस्ट फीडिंग्स क्लाइंट से, विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द टीचिंग वॉज इफेक्टिव सर, कौन सा स्टेटमेंट सुनकर आप ये कहोगे कि टीचिंग इफेक्टिव है आपका सर। चलिए अरुण कुंद्रा ए जो है वो ये जवाब है। राहुल मीना कारोली जवाब डी दे रहे हैं दोस्त। हेम कुमारी जी ए जो है वो ए जवाब दे रहे हैं। मनीष जोशी ए जो है वो ए जवाब दे रहे हैं आपका। संतोष शर्मा डी जो है वो डी जवाब दे रहे, ए और डी जो है वो डी, दो स्क्रीन के ऊपर जवाब है। धीरज शर्मा जी भी डी जवाब दे रहे हैं। चलिए फिर चेक कर लेते हैं आपका इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिव। आई शुड एयर ड्राई माई निप्पल आफ्टर ईच फीडिंग जो है वो फीडिंग, ये बात बिल्कुल सही जो है वो सही है, ठीक है, बहुत सही वाला स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट, ठीक है, कि मदर ये कह रही है कि फीडिंग के बाद में जो है
वो निप्पल को एयर जो है वो एयर में ड्राई किया जाए, बिल्कुल सही है। फीडिंग्स के एंडिंग एपिसोड में जो मिल्क सीक्रेट होता है उस मिल्क का नाम होता है हिंद मिल्क, और ब्रेस्ट के ऊपर वो हिंद मिल्क जो है वो लगा हुआ भी है ब्रेस्ट निप्पल के ऊपर। जैसे ही मदर जो है वो मदर फीड करवाने के बाद में अगर एयर में ड्राई नहीं कर रही है, डायरेक्ट क्लोथ वियर कर रही है, तो वो हिंद मिल्क वहां से आउट हो जाएगा, सोर निप्पल क्रैक निप्पल जैसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है मदर को, इसलिए एयर में कुछ समय के लिए एयर में ड्राई करना है मदर को, तो ये सही बात है। माइल्ड सोप इज अप्रोप्रिएट फॉर वॉशिंग, बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेस्ट के ऊपर निप्पल के ऊपर किसी भी प्रकार का सोप अप्लाई नहीं किया जाता है, ये सोर निप्पल और क्रेड निप्पल जैसी प्रॉब्लम को बढ़ाता है अगर ऐसा कर रही है तो मदर। माय ब्रेस्ट पैड शुड बी लीनेंट्स विद द प्लास्टिक शील्ड, कभी भी प्लास्टिक शील्ड जो है वो ब्रेस्ट पैड नहीं होंगे, सराउंडिंग सेल टिश्यू के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है, इन्फ्लामेशन के चांसेस ज्यादा है निप्पल के सराउंडिंग एरिया में सर, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। आई विल रिमूव माई द ब्रास बिफोर आई गो टू एट द बैड टाइम सर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। बैड टाइम भी मदर को जो है वो ब्रास रिमूव नहीं करना है। ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग्स के दौरान जो मिल्क का कलेक्शन होता है वो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट जैसी कंडीशंस को बढ़ाता है, सिर्फ ड्यूरिंग बाथिंग मदर को क्या करना है आपका ब्रास रिमूव करना है, बाकी ऑलवेज टाइम जो है वो ब्रेस्ट को सपोर्ट के लिए सपोर्टिव क्लोथ जो है वो सपोर्टिव क्लोथ ब्रा वगैरह वियर करके रहना है मदर को, ना कि बेड टाइम मदर क्या कर दे रिमूव कर दे सर, ठीक है। तो ये भी गलत था। एक स्टेटमेंट जो अपनी इफेक्टिव टीचिंग को बता रहा है वो कौन सा आपका, आई शुड एयर ड्राई माई निप्पल आफ्टर ईच फीडिंग, ए ऑप्शन वाले सभी साथी सही है। डी वाले बस इसको करेक्ट कर लें, जो जो डी चल रहे थे, बैड टाइम नहीं बाथिंग के दौरान ही बस रिमूव करना होता है मदर को। जी हाँ पूजा चौधरी जी बिल्कुल स्वागत है आपका, गुड इवनिंग है, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। इन ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट लेस चेंजेज ऑफ द इंट्रिक इन्फेक्शन इज ड्यू टू सर, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट के अंदर बहुत कम चेंजेज होता है एंट्रिक इन्फेक्शन जो है वो एंट्रिक इन्फेक्शन का, ऐसा क्यों? एंट्रिक इन्फेक्शन के रोकने के लिए मिल्क के अंदर क्या है, स्टराइल नेचर ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, ऑप्शन बी IgA इन द ब्रेस्ट मिल्क, ऑप्शन सी ब्रेस्ट मिल्क न्यूट्रिएंट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम, और ऑप्शन डी एल्केलाइन pH ऑफ स्टूल सर। एंट्रिक इन्फेक्शन नहीं होता है, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, ऐसा क्यों, ये आपके क्वेश्चन है। ब्रेस्ट मिल्क स्टराइल नेचर का होता है, ब्रेस्ट मिल्क में IgA होता है, ब्रेस्ट मिल्क न्यूट्रिएंट जो है उनके अंदर इम्यून जो है वो इम्यून सिस्टम्स को बेनिफिशियल या इफेक्ट्स वाले कंटेंट्स होते हैं आपके, और एल्केलाइन pH जो है वो pH होता है। चलिए दीजिएगा जवाब, सुनील बी जो है वो बी जवाब, सुनीता रहकर बी जो है वो बी जवाब दे रहे कि सर IgA जो है वो IgA होता है, इम्यूनोग्लोबिन जो है वो इम्यूनोग्लोबिन ए होता है ब्रेस्ट मिल्क में, इसलिए एंट्रिक फीवर के चांसेस जो है वो कम होते हैं। चलिए सभी साथियों का जवाब जो है वो यहाँ बी जो है वो बी दिखाई दे रहा है मुझे। दीपू मीना सी जो है वो सी जवाब दे रहे, पूजा चौधरी सी जवाब, संतोष शर्मा सी जो है वो सी जवाब है, बाकी जिनने साथी है वो बी जवाब दे रहे हैं। तो चलिएगा पहले सही जवाब सुनिएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। ब्रेस्ट मिल्क न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम सर, ब्रेस्ट मिल्क के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इम्यून सिस्टम को बेनिफिट्स के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल कंटेंट्स है। जो साथी ये वाला ऑप्शन बता रहे कि इम्यूनोग्लोबिन ए इन ब्रेस्ट मिल्क सर, इम्यूनोग्लोबिन ए जो है वो ए ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होता है, ये बात सही है, लेकिन इसकी वजह से एंट्रिक इन्फेक्शन नहीं होगा सर, ये स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट आपका सही नहीं है सर। इम्यूनोग्लोबिन जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा मिलने वाली जो इम्यूनिटी होती है उस इम्यूनिटी का नाम है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी सर। कौन सी इम्यूनिटी ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा मिलती है अपने को, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी सर। और इसके अलावा IgA के अलावा भी कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है वो जो आसानी से ट्रांसमिट होता है मिल्क के द्वारा, IgG भी ट्रांसमिट होता है, और सबसे कम रेयर जो है वो रेयर या ना के बराबर कौन भी ट्रांसमिट होता है, IgMB, हालांकि साइज में बहुत लार्ज इम्यूनोग्लोबिन है इसलिए बहुत इजी ट्रांसमिट नहीं होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में मोर एब्डुडेंटली कौन सा होता है, IgA सर। जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेस्ट मिल्क के होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स इम्यून सिस्टम्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए एंट्रिक फीवर नहीं होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉम कंटेंट सर, कोलेस्ट्रॉम जो है वो कोलेस्ट्रॉम कंटेंट का काम जो है वो काम क्या होता है,
कोलेस्ट्रॉम की अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो कोलेस्ट्रॉम का बेनिफिट होता है इंटेस्टाइनल कोटिंग कर देना सर। और इंटेस्टाइनल कोटिंग जो है वो कोटिंग करने का मतलब कि एंट्रिक इंफेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। मैकोनियम जो है वो मैकोनियम पास आउट करवाने में हेल्पफुल कोलेस्ट्रॉम। बाइल जो है वो बाइल को मेंटेन करने में, बिलीरुबिन को एक्सक्रीट आउट करवाने में हेल्पफुल कोलेस्ट्रॉम। तो जो मिल्क के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेनिफिशियल्स होते हैं आपके, इसलिए जो है वो इम्यून सिस्टम्स जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ना कि स्पेशली आईजीए की वजह से इंट्रैक्ट फीवर नहीं होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। जिन जिन साथियों ने सी जवाब दिया है, बी वाले साथी क्लियर कर ले अपने इस जवाब को। लीजिए अगला क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ग्रेडिया लेमिडा इन्फेक्शन। सर ये भी इंटेस्टाइनल जो है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात कर रहा है। कौन सा कंपोनेंट जो है वो ह्यूमन मिल्क के अंदर इस बात को प्रोटेक्ट करता है ग्रेडिया लेमिडा इन्फेक्शन को? सर लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन जो है वो लैक्टोफेरिन, बाइफिडस फैक्टर और पाबा जो है वो पाबा। सर चलिए दीजिएगा जवाब, कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो कि ग्रेडिया लेमिडा इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है? मनीष जोशी जी बिल्कुल, ये जो है वो जो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 था, ये बिल्कुल आप मैक्सिमम साथियों के लिए भचीड़ वाला क्वेश्चन था, गलत किया है मैक्सिमम साथियों ने ये क्वेश्चन, इसका जवाब देना अब आपको। हितेश टांग जी ए जवाब दे रहे, राहुल मीना बी जो है वो बी जवाब दे रहे, हर्षद गुप्ता डी, चलिए इसके भी ए बी और डी जवाब तो अभी तक आ गए हैं। अंजना सिकरवाल बी जो है वो बी जवाब दे रहे, सुरेंद्र गिरास डी जो है वो डी। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, पहला आप ह्यूमन मिल्क का वो कंपोनेंट बताओ जो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करे, ग्रेडिया लेमिडा इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो क्या करे प्रोटेक्शन। इंट्रिक जो है वो इंट्रिक इन्फेक्शन है, बिल्कुल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, बस इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कौन सा कंटेंट होता है वो नाम आपको बताना है। लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन, बाइफिडस फैक्टर या पाबा? सर लीजिए अब यहां कौन सा जो है वो कंटेंट सही है पहले तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल लैक्टोफेरिन जो है वो एकमात्र ऐसा कंटेंट आपका जो कि ग्रेडिया लेमिडा इन्फेक्शन के रिलेटेड प्रोटेक्टिव जो है वो प्रोटेक्टिव का काम करता है। बी ऑप्शन सही है जिन जिन भी साथियों का जवाब है। लाइसोजाइम सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता है, लेकिन स्पेशली इसके खिलाफ काम नहीं करता है ये। बाइफिडस फैक्टर किसी भी प्रकार का जो है वो वायरल्स इन्फेक्शन वगैरह जो है वो नहीं होने देते हैं। इसके अलावा जो है वो पाबा कंटेंट आपका पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड सर, और इस पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड का काम है प्लाज्मोडियम जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की ग्रोथ को रोक देना, मतलब मलेरिया जो है वो मलेरिया नहीं होने देना। तो जो बच्चे माँ का दूध पी रहे होते हैं उन बच्चों के अंदर जो है वो आपका क्या होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मलेरिया होने के चांसेस, वायरल इन्फेक्शन के चांसेस, स्पेशली ग्रेडिया लेमिडा इन्फेक्शन के चांसेस कम। और स्पेशली लाइसोजाइम जो है वो अटैक करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्रोटेक्ट कर देता है उनकी ग्रोथ को, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन होने के चांसेस कम। सर यहां पर सही जवाब है कौन सा आपका, लैक्टोफेरिन जो है वो लैक्टोफेरिन। सर तो लीजिए अगला क्वेश्चन सर आपकी स्क्रीन के ऊपर, निप्पल कंफ्यूजन मीन सर, निप्पल कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। किसे कहते हैं निप्पल कंफ्यूजन वर्ड सर, बेबी नॉट एबल टू सकलिंग विथ बोटल सर, बच्चा बोटल को सक नहीं कर पा रहा है, इसको आप जो है वो निप्पल कंफ्यूजन कहते हैं। ऑप्शन बी, बेबी नॉट एबल टू फीड विथ स्पून, बच्चा स्पून के साथ फीड नहीं कर पा रहा है, इसको निप्पल कंफ्यूजन कहते हैं। ऑप्शन सी, बेबी फीड विथ ए बोटल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट एंड कंफ्यूज टू सकल एट द ब्रेस्ट सर, बच्चा जो है वो बोतल फाइंड जो है वो बोतल्स को फाइंड आउट करने के दौरान डिफिकल्टी फील कर रहा है और ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट सकिंग में कंफ्यूजन है। और ऑप्शन डी, बेबी नॉट एबल टू फीड विद द पैलेडन सर, पैलेडन जो है वो लार्ज स्पून होता है, लार्ज टिप स्पून होता है, क्लेप्ट लिप क्लेप्ट पैलेट वाले बच्चों में यूज में लिया जाता है, उसके द्वारा फीड नहीं करना निप्पल कंफ्यूजन होता है, विड निप्पल कंफ्यूजन आपको बताना है। चलिए हितेश टांक सी जवाब दे रहे, पूजा चौधरी ए जवाब दे रहे कि बच्चे का बोतल जो है वो बोतल को सक नहीं करना निप्पल कंफ्यूजन कहलाता है। अंजलि सिंह सी जवाब है, मधु सी जो है वो सी जवाब दे रहे भैया,
पूजा ए जो है वो ए जवाब दे रहे हैं, राहुल मीना जवाब सी है। चलिएगा यहाँ पर जितने भी साथी हैं वो ए और सी वाले कंफ्यूजन को क्लियर कर ले। जो निप्पल कंफ्यूजन मीनिंग है वो निप्पल कंफ्यूजन किसे कहा जाता है, बेबी फीड विथ ए बोटल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग टू द सकलिंग एट ब्रेस्ट। सर ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट का सक नहीं कर पाना, कंफ्यूज होना सक करने के दौरान, और निप्पल जो है वो बोटल निप्पल को फाइंड आउट नहीं कर पाना क्या कहलाता है, निप्पल कंफ्यूजन कहलाता है। ना कि बोटल सकिंग नहीं करना निप्पल कंफ्यूजन कहलाता है। बोटल फाइंडिंग्स नहीं कर पाए बच्चा और ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट निप्पल को सक करने में जो है वो कंफ्यूज हो, इसको कहते हैं अपन कौन सा, निप्पल कंफ्यूजन। लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। While assisting a the primary pares client with her breastfeeding session, sir. Primary pares मतलब पहली बार मदर जो है वो मदर है और आप जो है वो breastfeeding session जो है वो attempt कर रहे हो, assist कर रहे हो। Which of the following action should be the nurse instruct to mother do to stimulate the neonate to open the mouth and grasp the nipple, sir? माँ को आपको जो है वो एक इंस्ट्रक्शंस देना है और वो इंस्ट्रक्शंस किसके रिलेटेड, कि बच्चा माउथ जो है वो आसानी से ओपन कर ले और निप्पल जो है वो निप्पल को ग्राप्स कर ले सर, ठीक है, अच्छे से निप्पल को बच्चा होल्ड कर ले, इसके लिए जो है वो माँ को इंस्ट्रक्ट देना है, बताना ये है कि किस प्रकार का स्टिमुलेशन दे मदर सर। ऑप्शन ए आपका सर, पुल डाउन जेंटली ऑन द नियोनेट चिन एंड इनसाइड द निप्पल सर, चिन जो है वो चिन को नीचे की तरफ करे मदर और निप्पल जो है वो निप्पल माउथ के अंदर इंसर्ट करे सर। ऑप्शन बी स्क्वीज बोथ ऑफ द नियोनेट चिक्स स्टिमुलेशन सर, ठीक है, नियोनेट जो है वो नियोनेट चिक्स को जो है वो मदर क्या करे, स्क्वीज जो है वो स्क्वीज करे, दोनों साइड चिक्स जो है वो चिक्स को क्या कर रही है मदर, स्क्वीज कर रही है सर। ऑप्शन सी प्लेस द निप्पल इन टू द नियोनेट माउथ ऑन टॉप ऑफ द टंग सर, निप्पल जो है वो निप्पल को माउस जो है वो माउथ में टंग के ऊपर जो है वो ऊपर रखे मदर। और ऑप्शन डी आपका ब्रेसिंग द नियोनेट लिप लाइटली विद द निप्पल सर, निप्पल जो है वो निप्पल के द्वारा लाइटली ब्रेस जो है वो ब्रेसिंग करे लिप्स के ऊपर सर। क्या बताना है एक मदर को, पहली बार मां बनी है और उस मां को ये इंस्ट्रक्शंस देना है आपको कि नियोनेट जो है वो अच्छे से, बच्चा अच्छे से माउथ को ओपन कर ले और निप्पल को अच्छे से ग्राप्स कर ले, अच्छे से ओरल कैविटी के अंदर निप्पल को रख ले बच्चा सर, ये जो है वो ये टेक्निक्स बतानी है, इसके लिए आप कौन सा स्टिमुलेशन जो है वो बताओगे। ऑप्शन पहला कह रहा है चिन को नीचे की तरफ करे मदर, जेंटली पुल डाउन करे और निप्पल को ओरल कैविटी में इंसर्ट कर दे, स्क्वीज करोगे दोनों चिक्स को, ये कह रहे हो मदर को, निप्पल जो है वो निप्पल्स को आप जो है वो माउथ में टंग के ऊपर रखोगे, और ऑप्शन ब्रेसिंग द नियोनेट लिप लाइट ऑफ द निप्पल। चलिए दीजिएगा जवाब, दर्शन चतुर्वेदी सी जवाब दे रहे भैया, रितेश ए जो है वो ए जवाब, तुलसीराम जांगीर डी जो है वो डी जवाब है, नीरज डी जो है वो डी जवाब दे रहे, सुरेंद्र बी जवाब दे रहे आपका। चलिए यहां तो सी जवाब को छोड़ करके बाकी सब जवाब आप साथियों के द्वारा दिए गए, अब यहां पर सबसे अच्छा स्टेटमेंट कौन सा है आप क्या कहोगे सर। ऑप्शन ए आपका गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होगा कि चिन को डाउन की तरफ करे और निप्पल जो है वो इंसर्ट, बच्चे को फीडिंग के लिए तैयार करना है आपको ताकि सकिंग अच्छी करे, और सकिंग अच्छी करेगा तो अमाउंट जो है वो अमाउंट अच्छे से सक कर पाएगा, अच्छा फीड कर पाएगा सर। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फीडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलेशन की बात की जाए तो वो एकमात्र होता है सकिंग स्टिमुलेशन, बस सकिंग अच्छी कर ले बच्चा, इसके लिए पहले उसको फीडिंग के लिए तैयार करना होगा, और वो तैयार करने के लिए अपन क्या करेंगे, ब्रेसिंग द नियोनेट लिप्स लाइटली विद द निप्पल सर। मदर को बोलेंगे कि जो ब्रेस्ट निप्पल है उस निप्पल को लिप्स जो है वो लिप्स के ऊपर मूवमेंट करवाए, लाइट जैसे ब्रेस जो है वो ब्रेस वाला मूवमेंट जो है वो मूवमेंट करवाए, तो बच्चा सकिंग जो है वो सकिंग के लिए तैयार होगा, गुड सकिंग करेगा, गुड सकिंग इंडिकेट टू गुड फीडिंग जो है वो गुड फीडिंग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, बाकी तीन ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन नहीं है स्टिमुलेशन पर्पज से सर। लीजिएगा अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे। A primary parents client to being to the breastfeeding. Her neonate ask the nurse is at the important for my the baby to get colostrum, sir. Okay, mother जो है वो mother यहाँ भी पहली बार जो है वो mother बनी है और first बार जो mother बनी है उसका question जो है वो आपसे ये है कि neonate ask nurse, ठीक है, breast जो है वो breastfeeding important my baby get colostrum.
When instruct the client, the nurse should explain the colostrum provide the neonate with. माने ये पूछ लिया कि मेरे बच्चे के लिए कोलेस्ट्रॉम इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉम जरूरी है, क्यों जरूरी है कोलेस्ट्रॉम, ये आपको जवाब देना है सर. ऑप्शन ए, मोर फैट देन द ब्रेस्ट मिल्क सर, कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो जितने भी मिल्क के टाइप्स हैं उनमें सबसे ज्यादा फैट होता है इसलिए जरूरी है. ऑप्शन बी, विटामिन के विच इज द नियोनेट लैक सर, बच्चे के अंदर विटामिन के की कमी है इसलिए कोलेस्ट्रॉम देना जरूरी है, कोलेस्ट्रॉम प्रोवाइड करवाना है. डिलेड मैकोनियम पास, कि बच्चा जो है वो डिले मैकोनियम जो है वो मैकोनियम लेट से पास करे इसलिए प्रोवाइड करवा रहे. और ऑप्शन डी, पैसिव इम्यूनिटी फॉर द मैटरनल एंटीबॉडी सर, कि मैटरनल एंटीबॉडीज के द्वारा पैसिव इम्यूनिटी मिलता है इसलिए कोलेस्ट्रॉम जरूरी है सर. कोलेस्ट्रॉम क्यों जरूरी है, आप क्यों प्रोवाइड करवा रहे हो, ये आपको बताना है. तो मैं कोलेस्ट्रॉम क्लियर कर देता हूं क्या होता है आपको. जी बिल्कुल, फर्स्ट 2 to 3 days सर, डिलीवरी होने के जस्ट बाद 2 to 3 days तक जो मिल्क सीक्रेट होता है उस मिल्क को कहते हैं अपन कोलेस्ट्रॉम मिल्क. ये मिल्क येलोइश होता है आपका, थिक जो है वो मिल्क होता है. इसके अंदर IgA इम्यूनोग्लोबिन और विटामिन ए मोर एब्डुडेंट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते. मैकोनियम जो है वो मैकोनियम इजी पास आउट करवाने के लिए, बिलीरुबिन को मेंटेन रखने के लिए, और इसके साथ साथ इंटेस्टाइन में एक्स्ट्रा कोटिंग के लिए सर. कौन सा मिल्क सबसे जरूरी मिल्क होता है, कोलेस्ट्रॉम मिल्क सबसे जरूरी मिल्क होता है. चलिएगा, कुसुम जी डी जवाब दे रहे, एम्स नर्सिंग ऑफिसर डी जवाब है, धीरज राजपूत जवाब डी जो है वो डी है, रिजु कुमारी विटामिन ए जो है वो ए होता है, बिल्कुल होता है सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉम में और ये सही जवाब है. इम्यूनोग्लोबिन होने की वजह से पैसिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाता है और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है मिल्क के अंदर कौन सा, इम्यूनोग्लोबिन ए. और ये इम्यूनोग्लोबिन ए सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है कौन से मिल्क के अंदर, कोलेस्ट्रॉम जो है वो कोलेस्ट्रॉम के अंदर सर. ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी जो है वो डी ऑप्शन. चलिए अब मैं मिल्क के जितने टाइप्स हैं वो सारे आपको क्लियर कर देता हूं. पहला अपन ने अभी क्लियर किया है कोलेस्ट्रॉम, सेकेंड मिल्क का टाइप होता है ट्रांजिशनल मिल्क सर, ट्रांजिशनल मिल्क. नेक्स्ट 14 डेज तक जो मिल्क सीक्रेट होता है कोलेस्ट्रॉम के बाद, अगले 14 days तक जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको कौन सा मिल्क कहते हैं अपन, ट्रांजिशनल मिल्क सर. ट्रांजिशनल मिल्क के बाद में जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको नाम देते हैं मैच्योर मिल्क. और टिल लैक्टेशन, जब तक मदर फीड करवाएगी 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, नॉर्मल 2 साल तक फीड करवानी चाहिए एक मदर को. तो जब तक मदर जो है वो फीड करवाएगी तब तक जो मिल्क सीक्रेट होता है उस मिल्क का नाम होता है कौन सा, मैच्योर मिल्क. जी हाँ, मैच्योर मिल्क आपका जो है वो 2 types का मिल्क होता है, एक होता है फॉर मिल्क और एक होता है आपका हिंद मिल्क सर. फॉर मिल्क के अंदर वॉटर कंटेंट्स ज्यादा होते हैं जबकि हिंद मिल्क के अंदर न्यूट्रेटिव कंटेंट ज्यादा है. तो थ्रस नीड को सेटिस्फाइड करने वाला जो मिल्क होता है उसको कहते हैं फॉर मिल्क सर. और हंगर नीड को सेटिस्फाइड करने वाला जो मिल्क होता है उस मिल्क को कहते हैं कौन सा मिल्क अपन, हिंद मिल्क जो है वो हिंद मिल्क सर. तो यहां पर 4th option बिल्कुल सही था, किसके रिलेटेड अपना, कोलेस्ट्रॉम रिलेटेड. मां को ये क्लियर कर देना है कि कोलेस्ट्रॉम पिलाना बहुत जरूरी है बच्चे को ताकि उसको पैसिवली इम्यूनिटी बहुत अच्छे से मिल सके, इम्यूनोग्लोबिन जो है वो इसमें सबसे ज्यादा होते हैं सर. लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंपेयर टू मैच्योर मिल्क प्रीटर्म मिल्क इज रिचर इन एक्सेप्ट सर. मैच्योर मिल्क जो है वो मैच्योर मिल्क को प्रीटर्म मिल्क जो है वो मिल्क से कंपेयर कर रहे हो आप, और कौन सी चीज जो है वो ज्यादा नहीं होती है, एक्सेप्ट करके पूछा है, रिसर इन एक्सेप्ट सर. ऑप्शन ए प्रोटीन जो है वो प्रोटीन, ऑप्शन बी जिंक जो है वो जिंक, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी जो है वो वॉटर सर. कौन से मिल्क की बात कर रहा है, मैच्योर मिल्क को कंपेरेटिवली किसके लिए, प्रीटर्म मिल्क. और प्रीटर्म मिल्क के अंदर कौन सी चीज ज्यादा नहीं होती है, ऐसा क्वेश्चन है या क्वेश्चन को यह पढ़ना आपको कि प्रीटर्म मिल्क के अंदर कौन सा सोर्स, कौन सी चीज सबसे कम देखने को मिलती है, प्रोटीन जिंक सोडियम और वाटर सर. जी सुरेंद्र गजराज सी बिल्कुल गुड इवनिंग डियर, चलिएगा दीजिएगा क्वेश्चन का जवाब. बी जिंक जो है वो जिंक जवाब आ रहा है अंजलि सिंह जी का. हितेश टांग जी बी जो है वो बी जवाब देना है. वर्षा सेन डी जो है वो डी जवाब है. योगेश कुमार बी जवाब. हेमंत महावर
भी जो है वो भी जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, सिर्फ ये वाला पार्ट क्वेश्चन का पढ़िएगा। प्रीटर्म मिल्क इज रिचर इन एक्सेप्टेशन, प्रीटर्म मिल्क में कौन सी चीज ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, किसके कंपेरेटिवली पूछिए ये बात उसने, मैच्योर मिल्क के कंपेरेटिवली सर। और प्रीटर्म मिल्क क्या होता है ये आपको जो है वो मैं क्लियर कर देता हूं। जी बिल्कुल, डिलीवरी से पहले जो मिल्क सीक्रेट होता है सर, बिफोर डिलीवरी, अभी डिलीवरी हुई नहीं है बट डिलीवरी होने से पहले ही मदर ब्रेस्ट से, ब्रेस्ट निप्पल से जो मिल्क सीक्रेट होने लग जाता है उस मिल्क को कहा जाता है कौन सा मिल्क आपका, प्रीटर्म मिल्क सर। और इस प्रीटर्म मिल्क जो है वो मिल्क में कौन सी चीज जो है वो रिचर्स नहीं होती है, बिल्कुल जो है वो ये वाला जवाब है। जिंक की तरफ ना जाएं, यहां पर वाटर जो है वो वाटर सर। प्रीटर्म मिल्क जो है वो मिल्क थिकेंड मिल्क होता है, वाटर कंटेंट सबसे कम जो है वो कम देखने को मिलता है इस मिल्क के अंदर, किसके कंपैरिजन करते हुए, मैच्योर मिल्क सर। अगर मैं मैच्योर मिल्क वाटर कंपैरिजन की बात करूं तो मैच्योर मिल्क के अंदर लगभग 86 से लेकर के 88% तक वाटर जो है वो वाटर कंटेंट होता है सर। प्रीटर्म मिल्क में बहुत कम होता है, थिक मिल्क होता है, अमाउंट भी बहुत कम होता है इस मिल्क का। तो यहां पर सही जवाब होगा अपना कौन सा, वाटर सर, डी जो है वो डी जवाब बिल्कुल सही है आपका सर। लीजिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्लाइंट बिहेवियर इंडिकेट टू द नर्स दैट द वुमेन्स नीड फर्दर टीचिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग हर न्यू बोर्न सर। ठीक है, कौन सा जो है वो बिहेवियर जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि वुमन को फर्दर टीचिंग करना पड़ेगा अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है, नीचे चार ऑप्शन में से बस उस गलत स्टेटमेंट को अपने को बताना है। क्वेश्चंस का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को सोल्व करने के लिए, इसलिए फोकस करते रहें कि माइंड में किस तरीके से जो है वो सेट हो रहा है ये लैंग्वेज। क्वेश्चन कहां है, व्हाट क्लाइंट बिहेवियर इंडिकेट टू द नर्स दैट वुमन्स फर्दर टीचिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग हर न्यू बोर्न सर, कि न्यूबॉर्न को फीडिंग्स के लिए जो है वो एक जो है वो एक कंपोनेंट्स आपका कोई भी जो है वो ये इंडिकेट करवा रहा है कि दोबारा इंस्ट्रक्ट करो, दोबारा फर्दर टीचिंग करो, इसका मतलब वो गलत बात बोली गई है वुमेन के द्वारा। अब वो कौन सी गलत बात है ये बताना है। ऑप्शन ए, व्हेन सी लीन फॉरवर्ड टू प्लेस हर ब्रेस्ट इनटू द इन्फेंट माउथ, फीडिंग के दौरान जो है वो जब फीड करवाया जाए तो माँ ये कह रही है कि लीन फॉरवर्ड, ब्रेस्ट को आगे की तरफ झुक करके और फिर जो है वो बच्चे के माउथ के अंदर रखना चाहिए, ये इस तरीके का फीडिंग। ऑप्शन बी, इफ सी होल्ड द इन्फेंट लिव विथ हर द ब्रेस्ट वाइल द साइड लाइन पोजिशन सर, ठीक है, बच्चा जो है उस बच्चे को साइड लाइन पोजिशन के अंदर रख करके और फिर फीडिंग जो है वो फीडिंग्स करवानी चाहिए। ऑप्शन सी, इफ सी टच हर निप्पल एंड द इन्फेंट चिक्स एट द बिगनिंग टू द फीडिंग सर, फीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो है वो निप्पल को बच्चे के चिक्स जो है वो चिक्स पे टच करना चाहिए, मतलब कि बच्चे को स्टिमुलेशन देना चाहिए ऐसा। और ऑप्शन डी, व्हेन सी पुट हर फिंगर इनटू इन्फेंट माउथ टू ब्रेक द सक्स आफ्टर फीडिंग सर, कि जब जो है वो फीडिंग आपका कंप्लीट हो रहा है तो उसके दौरान जो है वो वन फिंगर जो है वो फिंगर्स बच्चे के माउथ के अंदर सकिंग के लिए जो है वो सकिंग्स के लिए जो है वो आप पुट करो और देन जो है वो फीडिंग को क्या करो, लीव करो सर। चलिए बताइएगा कौन सा जवाब आपका सही जो है वो सही है इस बात को रिलेटेड कि माँ का एक स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है सर। ज्योति राठौड़ ए जो है वो ए जवाब, वो बी जवाब दे रहे हैं भैया। संजीव कुमार ए जवाब है। मनीष जोशी ए जो है वो ए जवाब है, बिल्कुल सही वाला जवाब है। जिन जिन साथियों ने ये ए जवाब दिया है कि व्हेन सी लीन फॉरवर्ड टू पैलेस हर ब्रेस्ट इनटू द इन्फेंट माउथ, इन्फेंट माउथ में अगर लीन फॉरवर्ड होकर के ब्रेस्ट को पैलेस किया जाएगा तो ओरल जो है वो ओरल एंड नेजल जो है वो नेजल, ब्रेस्ट के द्वारा जो है वो रेस्पिरेटरी जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैप के चांसेज हैं सर। ठीक है, मदर आगे की तरफ झुक गई है पूरी तरीके से, मदर ब्रेस्ट जो है वो बच्चे के ओरल्स और नोज के ऊपर है और फिर माँ जो है वो फीड करवा रही है सर। तो ये जो है वो ये वाला इंस्ट्रक्शंस कह रहा है अपने को कि बिल्कुल यहां माँ को समझाओ कि ब्रेस्ट फीडिंग जब भी करवाई जाए तो बच्चे का नोज एंड माउथ फ्री तरीके से क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, बाकी सब सही है। साइड लाइन पोजिशन में फीडिंग करवाई मदर, बिल्कुल सही है। सीजेरियन डिलीवरी LSCS वाली मदर करवाती भी इस तरीके का पैटर्न, जब भी आप जो है वो फीड करवा रहे हो
तो निप्पल्स को चिक्स जो है वो चिक्स के मतलब स्टिमुलेशन दे दो, गुड सकिंग कर ले बच्चा, ये भी सही है। और पुट हर फिंगर इन द इन्फेंट माउथ टू ब्रेक द सक्शंस आफ्टर द फीडिंग्स, फीडिंग्स के बाद में जो है वो सक्शंस के रूम में जो है वो क्या कर दे अपन फिंगर पुट करे, बिल्कुल इजी रिमूव कर देगा, निप्पल के ऊपर फोर्स नहीं करेगा अगर ऐसा अपन कर रहे हैं। तो तीन बात माने सही कही है, इस एक बात के ऊपर दोबारा टीचिंग करने की जरूरत है, दोबारा से बताने की जरूरत है माँ को। सर लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन योर बॉडी यूज टू मेक ब्रेस्ट मिल्क। सर ब्रेस्ट मिल्क बनाने के लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है हमारी बॉडी का? एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और इंसुलिन हार्मोन है। सर सबसे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन का नाम बताना है जो मिल्क जो है वो मिल्क बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। सर जी बिल्कुल, कौन सा हार्मोन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है? इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रोजन। पूजा सिंह बी जो है वो बी जवाब दिया आपने भी, चलिएगा। देवराज सिंह जी जवाब दे रहे हैं प्रोलैक्टिन। कमलेश शर्मा बी जो है वो बी जवाब है। सौरभ कुमार बी जवाब है। अनिल कुलारिया बी जो है वो बी जवाब, मतलब प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोलैक्टिन जवाब दे रहे हैं। चलिए फिजियोलॉजिकल का इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्लियर कर देता हूं मैं। प्रोसेस का नाम है मेमोजेनेसिस जो है वो मेमोजेनेसिस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गैलेक्टोपोइसिस। समझिए चारों फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, ब्रेस्ट सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट का मैच्योरेशन जो है वो मैच्योरेशन होना क्या कहलाता है आपका? मेमोजेनेसिस। और मेमोजेनेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। सर लैक्टोजेनेसिस मिल्क का सिंथेसिस होना, मिल्क का सिक्रेशन होना और मिल्क का प्रोडक्शन होना, सर इसको कहते हैं लैक्टोजेनेसिस। इसके लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। सर मिल्क का इजेकुलेट जो है वो इजेकुलेशन होना, बाहर निकलना मिल्क का क्या कहलाता है? गैलेक्टोकाइनेसिस। और गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन जो है वो ऑक्सीटोसिन। सर और गैलेक्टोपोइसिस जो है वो गैलेक्टोपोइसिस, मिल्क जो है वो मिल्क का टिल लैक्टेशन तक जो है वो सिंथेसिस होते रहना, जब तक मदर फीड करवाए तब तक सिंथेसिस होते रहना गैलेक्टोपोइसिस कहलाता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा? प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन, लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन ऑक्सीटोसिन। सर गैलेक्टोकाइनेसिस या मिल्क इजेकुलेशन को ही कौन सा रिफ्लेक्स कहते हैं अपन? लेट डाउन रिफ्लेक्स। सर सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो मिल्क बना रहा है लैक्टोजेनेसिस प्रोसेस और गैलेक्टोपोइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो मिल्क बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है और उसका नाम है कौन सा हार्मोन आपका? प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोलैक्टिन। सर तो यहां पर जवाब बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द बेनिफिट्स ऑफ द टेक्निक शो बिलो ओवर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट। सर नीचे कोई एक टेक्निक जो है वो टेक्निक्स है, चलिए पहले इस टेक्निक जो है वो टेक्निक्स के दौरान आपको ये बताना है कि इस टेक्निक के सब बेनिफिट है, कोई एक बेनिफिट इस टेक्निक का नहीं है। सर ऑप्शन ए जो है वो ए, प्रोटेक्ट फ्रॉम नियोनेटल जॉन्डिस, प्रोटेक्ट फ्रॉम हाइपोथर्मिया, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे और प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सर इस टेक्निक का कोई एक बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट जो है वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। सर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, इस इमेज में जो टेक्निक आपको दिखाई दे रही है उस टेक्निक का कौन सा बेनिफिट नहीं है? चलिए जवाब हर एक साथी का होना चाहिए कि टेक्निक्स के कौन सा बेनिफिट्स नहीं है। देवराज सिंह ए जो है वो ए जवाब दे रहे हैं, हेम कुमारी डी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं आपका, सुनील ए जवाब भैया, मोहम्मद इरफान सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं, सौरभ कुमार जवाब ए जो है वो ए, तुलसीराम जांगीड ए जो है वो ए जवाब है, नीरज ए जो है वो ए, अनिल नियोनेटल जॉन्डिस मतलब ये जो है वो ये जवाब है। चलिएगा तो अपन पहले तो इस इमेज में ये जो टेक्निक दिखाई गई है इस टेक्निक का नाम है केएमसी। सर कंगारू मदर केयर जो है वो कंगारू मदर केयर। अब क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि कंगारू मदर केयर का कौन सा बेनिफिट नहीं है, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। कंगारू मदर केयर का ये बेनिफिट है, हाइपोथर्मिया को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल बेनिफिट है,
हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन को कम करवा देता है कंगारू मदर केयर सर, और कंगारू मदर केयर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है। मतलब बी सी और डी ये तीनों तो बेनिफिट हैं, ये बेनिफिट जो है वो बेनिफिट नहीं है। केएमसी के द्वारा नियोनेटल जॉन्डिस को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब ऑप्शन ए केएमसी का बेनिफिट नहीं है आपका सर। लीजिएगा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्स नॉट रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग सर, कौन सा एक ऐसा रिफ्लेक्स जो ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड नहीं है? रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स सर, कौन सा रिफ्लेक्स जो है वो रिफ्लेक्स आपका ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड रिफ्लेक्स नहीं है? रूटिंग, सकिंग, गैग एंड स्वेलोइंग रिफ्लेक्स सर। जी बिल्कुल अनिल शर्मा जी, शुक्रिया डियर। चलिएगा, जवाब हर एक साथी का आना चाहिए कि कौन सा आंसर यहां पर आप पुट कर रहे हो, सही जो है वो सही है या गलत है। बस आंसर अपना जो है वो बिल्कुल देना है आपको। अगर जवाब गलत है तो फिर सही जवाब का इंतजार करना है और सही जवाब को माइंड में सेट कर लेना एग्जाम के लिए। सुनील ए, मोहम्मद इरफान डी, कीर्ति कुशवा ए जो है वो ए, सी आयुष पारिक जी सी जो है वो सी जवाब दे रहे, नवल मधुकर ए जो है वो ए जवाब दे रहे। तो चलिएगा यहां पर जो है वो कौन सा आपका ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड नहीं है? रूटिंग रिफ्लेक्स रिलेटेड है। रूटिंग रिफ्लेक्स जो है वो मदर को जब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद लीव करवाना होता है तो लिप्स कॉर्नर के ऊपर फिंगर टच करना जो है वो रूटिंग रिफ्लेक्स का स्टिमुलाई होता है, ये तो रिलेटेड है। सकिंग रिफ्लेक्स सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स ये है, फीडिंग जो है वो फीडिंग के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग हार्मोन प्रोलैक्टिन और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई सकिंग जो है वो सकिंग सर, ठीक है। गैग रिफ्लेक्स और स्वेलोइंग सर, फीडिंग कर रहा है बच्चा तो स्वेलोइंग जो है वो स्वेलोइंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर। गैग रिफ्लेक्स ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड रिफ्लेक्स नहीं है। गैग रिफ्लेक्स का मतलब है अनडाइजेस्टेड कंटेंट का स्टोमक जो है वो स्टोमक से क्या होना, रिमूव होना, बाहर निकलना, रिगर्जिटेट होना, क्या कहलाता है आपका गैग रिफ्लेक्स सर। फीडिंग के रिलेटेड जो है वो ऐसा नहीं है, और ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसा प्रॉब्लम के रूप में देखने को मिलता है कि बच्चे में रिगर्जिटेशन हो जाए सर। रिगर्जिटेशन होने का कारण अगर बच्चा जो है वो एरोफेजिया ज्यादा हुआ है तो सर, स्वेलिंग के दौरान अगर एयर जो है वो एयर भी गई है, एयर स्वेलोइंग किया है बच्चा, तो उसमें क्या होने के चांसेस होते हैं रीगर्जिटेशन। तो वहां पे मदर को बता दिया जाता है कि आपको इंटरमिटेंट बर्पिंग करनी है, फीडिंग करवाते समय बीच बीच के अंदर बच्चे को क्या करते रहना है, बर्प करते रहना है ताकि एयर जो है वो बाहर निकल जाए, कौन सी कंडीशन से सफर नहीं हो रीगर्जिटेशन से सर। ये सब के सब जो है वो रिफ्लेक्स ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड थे, एक नहीं था कौन सा आपका गैग रिफ्लेक्स सर। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ए डायबिटिक पोस्टपार्टम क्लाइंट प्लान टू ब्रेस्ट फीड सर, डायबिटिक पोस्टपार्टम क्लाइंट है, प्लान किया जा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड, द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इंस्ट्रक्शन इज द सफिशियंट व्हेन सी सेड सर। चलिएगा ऑप्शन ए जो है वो ए आपका, इंसुलिन विल बी ट्रांसफर टू द बेबी थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क सर, कि बच्चे को फीड करवाया जाएगा तो इंसुलिन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक मदर, डायबिटिक मदर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहिए। ऑप्शन सी, ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम डायबिटिक्स मदर कंटेंट फ्यू एंटीबॉडीज सर, ठीक है, कुछ एंटीबॉडीज जो है वो एंटीबॉडीज है इसके लिए। और ऑप्शन डी, ब्रेस्ट फीडिंग विल असिस्ट इन द लोअरिंग मैटरनल ब्लड ग्लूकोज जो है वो ब्लड ग्लूकोज सर, कि ब्लड ग्लूकोज जो है वो ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए सर। चलिए क्यों जो है वो आप प्लान कर रहे हो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फीडिंग डायबिटिक पोस्टपार्टम क्लाइंट के अंदर सर। हिमानी भंडारी जी बिल्कुल शुक्रिया है डियर्स आप, चलिए दीजिएगा जवाब यहां पर कौन सा जवाब सही है ब्रेस्ट फीडिंग इंस्ट्रक्शन के रिलेटेड सर। बहुत शानदार वाला क्वेश्चन सही, ठीक है, ऑप्शन ए है, इंसुलिन विल ट्रांसफर टू द बेबी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। ऑप्शन बी, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक मदर। ऑप्शन सी, ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम डायबिटिक मदर कंटेंट फ्यू एंटीबॉडीज। और ऑप्शन डी, ब्रेस्ट मिल्क विल असिस्ट इन द लोअर मैटरनल ब्लड ग्लूकोज सर।
डी जवाब विनय सिंह जी का है, आर के आर्या सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं भैया, रिजु कुमारी सी जवाब, संतोष शर्मा जी सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं कि डायबिटिक मदर मिल्क के अंदर जो है वो कुछ एंटीबॉडीज जो है वो एंटीबॉडीज होती है, इसलिए जो है वो डायबिटिक पोस्टपार्टम क्लाइंट को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। चलिएगा भैया ये सही बात है क्या? शक्तिमान भास्कर जी डी जो है वो डी जवाब दे रहे, तुलसीराम जांगिड ए जवाब दे रहे कि इंसुलिन विल ट्रांसफर टू द बेबी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ब्रेस्ट मिल्क, कि बच्चे को जो है वो इंसुलिन मिल जाएगा इसलिए करवाना चाहिए। तो लीजिएगा यहां पर जो आपका सही जवाब है वो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, डायबिटिक पोस्टपार्टम क्लाइंट प्लान टू ब्रेस्ट फीड, पोस्टपार्टम क्लाइंट जो डायबिटिक है क्या प्लान किया जा रहा है, ब्रेस्ट फीड सर, द नर्स डिटरमाइन दैट क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इंस्ट्रक्शन इज सफिशियंट व्हेन सी स्टेट सर, ठीक है, सफिशियंट फीड करवाया जाए ऐसा क्यों जो है वो क्यों, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, इंसुलिन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा ट्रांसमिट जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता है, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड है, डायबिटिक मदर फीड करवाती है, ब्रेस्ट मिल्क फॉर द डायबिटिक मदर कंटेंट फ्यू एंटीबॉडीज सर, कुछ एंटीबॉडीज जो है वो एंटीबॉडीज होता है इसलिए करवाना चाहिए ऐसा भी नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्रेस्ट फीडिंग विल असिस्ट इन द लोअरिंग मैटरनल ब्लड ग्लूकोज सर, मैटरनल ब्लड ग्लूकोज को भी लोअरिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग माँ के अंदर जो कलेक्टिंग जो है वो ग्लूकोज है उसको भी लोअरिंग करता है, इसलिए सही जवाब है आपका डी जो है वो डी जवाब, सी वाले साथी सर, ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम डायबिटिक मदर कंटेंट फ्यू एंटीबॉडीज जो है वो फ्यू एंटीबॉडीज कि एंटीबॉडीज कम जो है वो कम होता है इसलिए सफिशियंट करवाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है कि मेटरनल्स जो है वो ब्लड्स के अंदर डायबिटिक है तो एंटीबॉडीज की कमी आ जाएगी सर, बिल्कुल नहीं, इम्यूनोग्लोबिन उसके द्वारा भी ट्रांसमिट है, पैसिव इम्यूनिटी जो है वो डायबिटिक मदर के मिल्क से भी मिलती है, वाइटामिन भी मदर के मिल्क के अंदर होते हैं, ग्लूकोज कंटेंट्स भी होता है, जितने तमाम कंटेंट है वो सब होते हैं सर, सी यहाँ पर डी जवाब बिल्कुल सही है आप साथियों ने जिन्होंने भी दिया है और जो नहीं दिए वो सारे साथी ध्यान दें। यहां पर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द नर्स काउंसल टू द प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट हुज ब्रेस्ट फीडिंग हर नियोनेट अबाउट द डाइट ऑफ द न्यूट्रिशनल नीड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड सर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट ए नीड फॉर द एडिशनल टीचिंग, लीजिए एक फिर स्टेटमेंट यहां पर ऐसा है जहां एडिशनल टीचिंग की जरूरत है, लैक्टेटिंग पीरियड वाली एक मदर जो है वो मदर को आप जो है वो आप लैक्टेटिंग जो है वो लैक्टेटिंग पीरियड जो है वो लैक्टेटिंग पीरियड वाली मदर को फिर से इंडिकेट एडिशनल टीचिंग जो है वो टीचिंग की जरूरत है सर, पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल हिमानी जी कह रहे हैं कि उसमें तो मोए मोए हो गया है आपका, अब इस क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को देख लीजिएगा भैया, ऑप्शन ए आई नीड टू इंक्रीज माई इनटेक ऑफ वाइटामिन डी, ऑप्शन बी I should drink at least few vase lashes of the fluid daily, sir. ठीक है. Option C, I need to get the extra 500 calorie per day. और option D आपका, I need to make sure I have enough calcium in diet जो है वो diet, sir. सुनिएगा, कौन से एक statement को देख करके आप additional teaching करोगे, फिर से teaching करोगे, sir. पहला स्टेटमेंट है मदर का आई नीड टू इंक्रीज माई इनटेक वाइटामिन डी कि वाइटामिन डी का इनटेक बढ़ा दिया जाए इसको टीचिंग करोगे, आई शुड ड्रिंक एटलीस्ट 5 glasses सर, लीजिएगा ये 5 glasses है, 5 glasses ऑफ फ्लूड डेली, आई नीड टू गेट एक्स्ट्रा 500 calorie पर डे और आई नीड टू मेक श्योर आई हैव एनफ कैल्शियम इन माई डाइट सर, ठीक है, कौन सा एक स्टेटमेंट जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, बाकी सब स्टेटमेंट वो सही है लैक्टेटिंग मदर के अंदर सर, लेकिन एक स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट से आपका लैक्टेटिंग मदर जो है वो मदर के रिलेटेड सर, कुसुम जी सी जो है वो सी, हिमानी भंडारी सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं भैया आपका, चलिए फिर बताते भी जाइएगा सी जो है वो सी गलत क्यों है, माँ अगर ये कह रही है ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर कि मेरे को 500 कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा जरूरत है, 500 कैलोरी एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा नीड की जरूरत है क्योंकि मैं लैक्टेटिंग हूं, क्या ये गलत जो है वो गलत बात है क्या, गलत है तब ही आप एडिशनल टीचिंग करोगे बाकी एडिशनल टीचिंग नहीं करोगे सर,
सही स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट पे समझाने की जरूरत नहीं है, मदर को गलत स्टेटमेंट पे समझाइए बस। संतोष शर्मा डी जो है वो डी, विकास शर्मा बी जो है वो बी, अडानी राम अखोरा ए जो है वो ए जवाब है। अब लीजिएगा सारे ऑप्शंस का मैं पोस्टमार्टम कर देता हूं। मदर ने पहला स्टेटमेंट कहा आई नीड टू इंक्रीज माई इनटेक ऑफ वाइटामिन डी, बिल्कुल सही कहा है मदर ने कि लैक्टेशन फीडिंग जो है वो फीडिंग में सबसे कम पाया जाने वाला वाइटामिन होता है डी, तो अगर माँ को ज्यादा वाइटामिन डी नीड है तो फीडिंग कंटेंट के द्वारा भी ज्यादा होगा, ये सही स्टेटमेंट है सर। ऑप्शन बी आई शुड ड्रिंक एटलीस्ट 5 glasses ऑफ फ्लूड डेली, माँ कह रही है कि 5 glasses जो है वो 5 glasses फ्लूड जो है वो फ्लूड डेली जो है वो डेली क्या करूं मैं इंटेक जो है वो इंटेक करूं सर। ग्लास जो है वो ग्लास अमाउंट्स की अगर मैं बात करूं 200 ml और मदर 5 glasses की बात कर रही है, मतलब एक दिन के अंदर जो है वो 1000 ml कुल मिलाकर के माँ कह रही है कि मेरे को 1 liter पानी की डेली जरूरत है। 1 liter नहीं, 1 liter से कई गुना ज्यादा जो है वो ज्यादा सर, ठीक है। नॉर्मल जो है वो नॉर्मल ही 7 to 8 glasses पर डे जो है वो पर डे जरूरत है नॉर्मल जो है वो नॉर्मल पर्सन को। यहां तो मदर फीडिंग मदर है, लैक्टेटिंग जो है वो लैक्टेटिंग मदर है, फीड करवा रही है मदर सर। बहुत ज्यादा मदर जो है वो मदर को 10 to 12 glasses पर डे जो है वो पर डे फ्लूड जो है वो फ्लूड इंटेक करना चाहिए। इवन वो मिल्क हो सकता है, इवन वो जूस हो सकता है, इवन वो वाटर जो है वो वाटर हो सकता है, तब जाकर फीडिंग का एप्रोप्रिएट अमाउंट जो है वो अमाउंट सीक्रेट हो पाएगा। तो इस स्टेटमेंट पे दोबारा टीचिंग करो मदर को, ये गलत बात बोली है मदर ने, यहाँ 5 glasses से काम नहीं चलेगा, मदर जो है वो मदर को एक्स्ट्रा इंटेक्स और फ्लूड्स की जरूरत है। ये सही है 500 calories जो है वो पर डे लैक्टेटिंग मदर से, तो और आई नीड मेक आई से वन ऑफ द कैल्शियम इन माई डाइट, बिल्कुल सही है कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम हो मेरी डाइट में, इस तरीके का खाना दीजिए। तो यहाँ पर सही सारे स्टेटमेंट छोड़कर एक बी को, और वहां इंस्ट्रक्ट करोगे दोबारा। लीजिए ए ब्रेस्ट फीडिंग प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट विथ ए मिड लाइन एपिसियोटोमी इज प्रिस्क्राइब आईब्रो पेफेंस 200 mg ओरली सर। पहली बार जो है वो प्रेग्नेंट से एक मदर है और उस मदर के अंदर जो है वो आपको एपिसियोटोमी किया गया है, आइबुप्रोफेन चला दिया गया एपिसियोटोमी करने के बाद में सर। द नर्स इंस्ट्रक्ट टू द क्लाइंट मेक द मेडिकेशन, नर्स जो है वो इंस्ट्रक्ट देगी कि कब ये मेडिकेशन जो है वो ले मदर, कब लेना चाहिए मदर को, बिफोर गोइंग टू बेड, मिडवे बिटवीन फीडिंग, इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग और व्हेन प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट फॉर्मूला सर। कब जो है वो कब ये मेडिकेशन लेना चाहिए इसका जवाब जो है वो आपको देना है सर। चलिएगा आप जितने भी साथी वीडियोस वॉच कर रहे हैं एक शानदार वाला सेशन जो है वो सेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और अगर आप सभी साथियों को ये सेशन अटेम्प्ट करते हुए आ रहा है मजा, एक शानदार डिफरेंट क्वेश्चन ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड है, ठीक है, तो फिर आप सभी जो है वो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भैया। मीना जी कह रहे हैं सर फिर से हो गया है मोए मोए, तो लीजिएगा तो ये फिर अच्छे वाला क्वेश्चन है, आप इसको बचा लीजिएगा। अनिल सी ए जो है वो ए, देवराज सिंह सी जो है वो सी जवाब। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मदर में मिड लाइन एपिसियोटोमी किया गया है सर, ठीक है, क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए लिखा था मिड लाइन एपिसियोटोमी। एग्जामिनर सिंपल लिख सकता था कि एपिसियोटोमी किया गया है, अब एपिसियोटोमी वाली मदर को क्या चला दिया गया, आइबुप्रोफेन 200 mg ओरली चल रहा है, ये मेडिकेशन कब ले मदर, मां ने पूछ लिया कि कब जो है वो कब इंटेक करूं इस दवा का मैं, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर है सर। डी जवाब नवल मधुकर ए, संतोष शर्मा सी। चलिए अब मैं सारे जवाब आपको जो है वो सारे ऑप्शन क्लियर कर देता हूं। बिफोर गोइंग टू बेड कि बेड जो है वो बेड टाइम्स या फिर मदर सोने के लिए जाए उससे पहले जो है वो पहले सर, एक तो कोई भी मेडिकेशन जो है वो मदर ले रही है तो लगभग इतना गैप मिलना चाहिए कि मेडिकेशन का कम अमाउंट जो है वो अमाउंट ट्रांसमिट हो सके मिल्क के द्वारा सर। अगर मेडिकेशंस का ज्यादा अमाउंट ट्रांसमिट होगा तो बच्चे के अंदर अपने को इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, मेडिकेशंस इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। बेड टाइम मदर गई और ये मेडिकेशन लिया, मान लो मदर 10 बजे सोने के लिए गई है और 10 बजे मदर ने लिया आइबुप्रोफेन, ठीक है, बच्चे ने जो है वो 11 बजे फीडिंग की डिमांड कर दी सर, मतलब आइबुप्रोफेन जो है वो अब अच्छे अमाउंट के अंदर क्या हो जाएगी ट्रांसमिट हो जाएगी सर, तो ये तो गलत ऑप्शन था। मिडवे बिटवीन फीडिंग,
फिटिंग करवा रही है मदर, फिटिंग करवाते समय बीच में जो है वो बीच में ले ले सर, फिटिंग करवाते समय बीच में बिल्कुल नहीं लेना है, इस तरीके का जो है वो मेडिकेशन पैटर्न्स नहीं रखना है आपको, इमीडिएट आफ्टर फिटिंग ये बिल्कुल सही ऑप्शन था। जैसे ही माने फीड करवाया, फीड करवाने के जस्ट बाद में मेडिकेशन ले ले, एवरी फीडिंग जो है वो 2-3 आवर इंटरवल होता है, गैप होता है, मात्र 2-3 घंटे बाद ही फीड करवाती है, तो मेडिकेशन का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा इमीडिएट अगर आफ्टर फीडिंग मदर क्या ले ले तो मेडिकेशन सर। व्हेन प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट फॉर्मूला, कि फॉर्मूला सप्लीमेंट करवा देना चाहिए, ये मेडिकेशन चल रही हो तो फीडिंग नहीं करवानी चाहिए, बिल्कुल करवानी चाहिए, यहां पर रोकने की कोई जरूरत नहीं है, बस इमीडिएट आफ्टर फीडिंग मदर क्या ले ले ये मेडिकेशन। कौन सी दवाओं के साथ फीडिंग रोका जाता है, अगर मदर लेक्सेटिव जो है वो लेक्सेटिव ले रही हो तो बच्चे में डायरिया होने के चांसेज हैं, इस दौरान फीडिंग को रोक दिया जाता है। अगर मदर एंटीकोगुलेंट्स मेडिकेशन ले रही है तो बच्चे में ब्लीडिंग होने के चांसेज हैं। अगर मदर जो है वो मदर मेडिकेशन जो है वो मेडिकेशन के रूप में सेडेटिव ले रही हो, एल्प्राजोलाम ले रही है मदर, तो फीडिंग को स्टॉप करना चाहिए जब तक एल्प्राजोलाम ले रही है, और इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिकेशन ले रही है मदर, तो जब तक मेडिकेशन ले रही है तब तक स्टॉप सर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है इन सब केस में, मेडिकेशन इफेक्ट तक ब्रेस्ट फीडिंग को क्या कर देना चाहिए आपको जो है वो स्टॉप करके रखना चाहिए सर। तो लीजिएगा अगला क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन के ऊपर और दीजिएगा जवाब। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द सेल्फ लाइफ ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट ट्रू सर, ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सेव करने के रिलेटेड, मतलब ब्रेस्ट मिल्क को सेव करना, आपको सेव करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए, फ्रोजन ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर फॉर द सेवरल मंथ इन सेपरेट फ्रीजर कंपार्टमेंट सर। ऑप्शन बी, थॉट ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यू वीक, कुछ सप्ताह तक स्टोर किया जा सकता है मिल्क जो है वो मिल्क को रेफ्रिजरेटर के अंदर। फ्रेशली पंप्ड ब्रेस्ट मिल्क कैन स्टोर एट रूम टेम्परेचर फॉर सेवरल hours सर, कुछ घंटे तक स्टोर किया जा सकता है मिल्क जो है वो मिल्क को फ्रेश ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर के ऊपर। और नेवर फ्रोजन ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर इन रेफ्रिजरेटर फॉर सेवरल डे, ठीक है कि सेवरल डेज तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं किया जा सकता है, कौन सा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, नॉट ट्रू, मतलब तीन बात सही है स्टोरेज के रिलेटेड सर, एक बात जो है वो गलत है स्टोरेज के रिलेटेड, ये आपको बतानी है। अनिल कुलारिया जी, ओनली 24 आवर्स जो है वो 24 आवर्स आप जवाब दे रहे हैं, ये 24 आवर्स कौन सा ड्यूरेशन है, बिल्कुल क्लियर करेंगे इसको भी अपन। शक्तिमान भाकर जी सर ए जो है वो ए, देवराज डी जो है वो डी, हिमानी डी जो है वो डी, अंजलि सिंह डी जो है वो डी आपका, कि सर ये गलत जो है वो गलत स्टेटमेंट है, लीजिएगा पोस्टमार्टम आपके सारे ऑप्शंस का। फ्रोजन ब्रेस्ट मिल्क कैन स्टोर फॉर द सेवरल मंथ इन ए सेपरेट फ्रीजर कंपार्टमेंट सर, सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है ये, मिल्क स्टोरेज ड्यूरेशन सुनिए, रूम टेम्परेचर के ऊपर ब्रेस्ट मिल्क को 6-8 आवर तक स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल्क को जो है वो अपन 24 आवर तक स्टोर रख सकते हैं सर, और -20 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर जो है वो फ्रीजर्स के अंदर जो है वो आप स्टोर कर सकते हो 80 डेज तक, 80 डेज का मतलब 3 मंथ जो है वो 3 मंथ 3 महीने तक लगभग सर, यहां यही लिखा है कि फ्रीजर के अंदर कुछ मंथ तक स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यू वीक, ये गलत है, रेफ्रिजरेटर के अंदर 24 घंटे तक स्टोर किया जा सकता है, ना कि मिल्क जो है वो मिल्क को कुछ सप्ताह तक स्टोर किया जा सके। फ्रेशली पंप्ड ब्रेस्ट मिल्क एट रूम टेम्परेचर फॉर सेवरल आवर, बिल्कुल सही था ये स्टेटमेंट, तो 6-8 घंटे स्टोर करते ही अपन। नेवर फ्रोजन ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर फॉर सेवरल डे, कुछ दिन तक रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट सही जो है वो सही था, नेवर फ्रोजन लिखा है मतलब नहीं किया जा सकता है, सही था स्टेटमेंट, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल गलत नॉट ट्रू स्टेटमेंट था, कि रेफ्रिजरेटर में कुछ वीक नहीं, सिर्फ कितने हावर 24 आवर तक क्या करते हैं अपन स्टोर जो है वो स्टोर करते हैं सर, ठीक है। लीजिएगा क्वेश्चन आपका, ए नर्स इज केयरिंग फॉर द फॉर क्लाइंट्स ऑफ द ईच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन,
which client should be the nurse anticipated will be instruct not to breastfeedings by the health care provider. Options A, कौन सी conditions के दौरान health care provider ये कह दे कि breastfeeding नहीं करना है, या contraindicated से mastitis के दौरान, inverted nipple के दौरान, herpes genitals के दौरान और human immunodeficiency virus के दौरान. सर कौन सी conditions के अंदर भैया contraindicated करोगे या instruct कर दिया जाएगा mother को feeding जो है वो feeding anticipated में. लीजिएगा, दीजिएगा जवाब यहाँ पर हिमानी भंडारी जी. बिल्कुल नेवर वर्ड जो है वो वर्ड वहां पर बहुत कुछ बता रहा था. जिन जिन ने क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी दिया था वो शायद नेवर वर्ड को नहीं पढ़े थे. चलिए दीजिएगा जवाब, कहां फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा. विकास शर्मा डी, ज्योति पटेल ए जो है वो ए, साउ डी जो है वो डी जवाब है, सौरभ कुमार डी जवाब, तुलसीराम जांगिड सी जो है वो सी जवाब है. लीजिएगा भैया अब जो है वो अब आपका कौन सा जवाब सही है. यहां पर अगर मैं इन चार ऑप्शंस के बेस के ऊपर जो है वो जवाब दूं तो फिर मेरे पास जो है वो एक ही जवाब है, डी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. हर्पिस जेनाइटल है सर, हर्पिस सिंप्लेक्स लीजन ऑन ब्रेस्ट होता तब तो मैं कह देता कि मदर जो है वो मदर को एंटिसिपेट कर देना, इंस्ट्रक्ट कर देना. यहां हर्पिस जेनाइटल है, फिडिंग्स जो है वो फिडिंग्स किया जाएगा, जेनाइटल जो है वो जेनाइटल्स में कोई दिक्कत नहीं है सर. इन्वर्टेड निप्पल में निप्पल को इवर्ट करो, बाहर की तरफ निकालो, फिडिंग करवाई मदर. माइस्टाइटिस में भी फिडिंग्स करवाएगी मदर. यहाँ एक ही केस था, कौन सा आपका, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, डी जो है वो डी ऑप्शन सर. चलिएगा आज का जो है वो ये सेशन अपना ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सब लोग को मिला है, आपको किस तरीके का लगा है ये सेशन मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर. और फिर इंतजार रहेगा पीडियाट्रिक के एक शानदार सेशन के साथ में डेली शाम 7 बजे. ये प्लेटफॉर्म आप सब लोगों को एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, तो जुड़े रहिएगा डेली शाम 7 बजे. फिर मिलेंगे अगले सेशंस के दौरान, तब तक के लिए आप सभी साथियों का शुक्रिया. ओके, थैंक यू.